हेलो स्टूडेंट्स, सब एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों के। दोपहर के क्लास हो चुकी है आप लोगों की शुरू, ठीक है, बट जल्दी सब आ जाओ सभी स्टूडेंट, ठीक है। आज 2-4 मिनट बट चलो होता है, कभी कभी चलता है नेटवर्किंग इशू के कारण। क्लास हो चुकी है स्टार्ट शुरू, तो जल्दी से सभी को आ जाना है क्योंकि आज हम लोग कवर करने वाले हैं MS Excel शॉर्टकट कीज। इतनी धूम धूम मूवी ने नहीं मचाई होगी जितनी धूम आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर का ये वाला अकेला टॉपिक मचा रहा है, ठीक है। इस एक अकेले टॉपिक ने बढ़िया काम कर दिया, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, हरियाणा SI का भी पेपर हुआ था, राजस्थान का भी SI का पेपर हुआ था, और अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर चल रहा है। यह अकेला टॉपिक है जिसने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभाल रखी है। तो मैंने सोचा, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत क्लासेस लाई हूँ, एक क्लास में लेकर आई थी परसों 3 बजे दोपहर, उसको तो जरूर देख लेना, वो ना एक तरीके से कहते ना ब्रह्मास्त्र होगी, उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और जितनी कीज निकल सकती थी शॉर्टकट की, सारी की सारी, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो छुपी हुई हो, चाहे वो अंदर से निकालनी पड़े मुझे, तो मैंने जितनी ज्यादा कीज निकल सकती थी आज के सेशन के लिए रखी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सके, और यकीन मानना ये क्लास सच में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। बीच में कोई बच्चा बात नहीं करेगा, क्लास के एंड में आपको जितना बतियाना है बतिया लेना। क्लास जब स्टार्ट हो जाएगी उससे लेकर जब तक खत्म नहीं होती तब तक पूरा ध्यान आपको सामने रखना है। मैंने कहा ना, ये एक अकेला ऐसा टॉपिक है जिसने कंप्यूटर का सारा भार अपने कंधे पे संभाला हुआ है, ठीक है। बाकी होगा होगा भैया, मैं तो जरूर आऊंगा। 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन इसी से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मेरे पास भी बच्चों के आए और कुछ क्वेश्चन आप में से ही बहुत सारे बच्चों ने बताए, तो उन सभी के आधार पर मैं पहले तो शॉर्टकट कीज करवाऊंगी और फिर वो टॉपिक के क्वेश्चन जो आए उनको भी बताती हुई चलूंगी। मैंने कल आपको बताया था, जैसे गूगल क्रोम पूछा गया था 2004 में, मैंने कल सेशन लिया उसमें मैंने सफारी के बारे में बताया। सफारी आज के शिफ्ट में आया था कि सफारी कौन सी कंपनी का वेब ब्राउजर है, तो सफारी वेब ब्राउजर है, एप्पल कंपनी का वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल अच्छा पढ़ रहे हो, बस आपको कितना थोड़ा सा एक बार कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। रीजनिंग की क्लास कब होती है बच्चा? रीजनिंग सुबह हो जाती है। आवाज आवाज शांति से सुनोगे तो बहुत अच्छे से आपको सुनाई दी जाएगी, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करती हूँ सेशन को, शुरू करते हैं। कंप्यूटर MS Excel शॉर्टकट कीज को यहां पर मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले सारी की सारी बात मैं आपको बता दूं, देखो होता क्या है ना, आप डर जाते हो कि ओ माय गॉड सारी चीजें इंग्लिश में है तो काहीं डर रहे हो। मैं हूं, आपको बताऊंगी समझाऊंगी, ठीक है। तो पूरा ध्यान देना, सामने कॉपी पेन हो तो लिख भी लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको टाइम दे दूंगी। शुरू करते हैं F2। ये शॉर्टकट की शायद आज के पेपर में आई, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आधे बच्चे तो अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। बोला गया कि भाई एक ऐसी शॉर्टकट की पूछी गई थी, सेल को एडिट करने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेल को एडिट करने के लिए आप अगर सेल के अंदर घुस के कुछ लिखना चाहते हैं तो F2 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? F2 का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहोगे कि मैम एंटर से भी तो होता है। नहीं, भूल गए वो दिन जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप सेल के अंदर जाना चाहते हो, सेल के अंदर जाने के लिए F2 की का इस्तेमाल किया जाता है। एक सेल अगर नीचे जाना है तो एक सेल नीचे जाने के लिए एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब पूछा जाए एक सेल ऊपर जाना है तो एक सेल ऊपर जाने के लिए शिफ्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब पूछा जाए एक सेल राइट में जाना है तो टैब का इस्तेमाल किया जाता है। और जब पूछा जाए कि एक सेल कहां बनाओ, बेचारे को इधर बना देते, अरे एक और लाइन ले लो इधर बनाओ। जब पूछा जाए कि एक सेल बाईं ओर जाना है तो बाईं ओर जाने के लिए शिफ्ट के साथ टैब का इस्तेमाल करते। तो ये वो चीजें हैं जो पूछी नहीं गई है, पूछा केवल ये गया है, पर ये तो पूछेगा, इतने पेपर है, कभी ना कभी तो पूछेगा ही, तो आपको सारी चीजें पता होनी बेहद जरूरी है। आ जाइए आगे, फिर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ। ऑल्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। इन सेल एडिटिंग मोड एंटर अ न्यू लाइन,
नई लाइन को ऐड करने के लिए, नई लाइन को ऐड करने के लिए सेल एडिट करते समय, अब आप अगर एक नई लाइन को ऐड करना चाहते हैं, न्यू लाइन को जोड़ने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, ये मैंने कई बार बताया हुआ है, करंट डेट वर्तमान, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख को दिखाने के लिए कंट्रोल के साथ कॉलन, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से अगर बात की जाती है तो कंट्रोल के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है, फिल द सेलेक्टेड सेल विद द कंटेंट ऑफ द करंट सेल, किसी सेल के अंदर वर्तमान सेल का कंटेंट, वर्तमान सेल का डेटा अगर आप किसी सेल के अंदर फिल करना चाहते हैं, वर्तमान सेल का डेटा किसी दूसरे सेल के अंदर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के साथ एंटर का, ठीक है आगे आ जाओ। कंट्रोल के साथ डी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाएगा, कॉपी द कंटेंट ऑफ द फॉर्मेट एंड फॉर्मेट फर्स्ट सेल इन द सेलेक्टेड रेंज इनटू द सेल बिलो। अगर यहां पर आप काम कर रहे हो, क्लियर, पहले सेल में जो भी चीजें लिखी हुई है, पहले सेल के डेटा को कॉपी करता है और उस डेटा को नीचे वाले सेल के अंदर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, टॉप मोस्ट सेल का डेटा को, कंटेंट को कॉपी करना। कंट्रोल शिफ्ट के साथ वी का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्ट स्पेशल ये पूछ सकता है, तो पेस्ट स्पेशल के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट वी का इस्तेमाल करते हैं, और कंट्रोल के साथ भी सिंपल है, ये पेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, पेस्ट के लिए शिफ्ट के साथ इंसर्ट का भी इस्तेमाल होता है, तो पेस्ट के लिए इंसर्ट और शिफ्ट कंट्रोल वी, ये दोनों पेस्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पेशल पेस्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, जो लास्ट एक्शन किया उसको दोबारा से रिपीट करने के लिए, रीडू और अंडू केवल 100 बार ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते, ठीक है, इससे ज्यादा बार नहीं होला। चलो आगे चलते, क्लियर, स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट इस वाली स्क्रीन का ले सकते हैं पॉज करके। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, और भी चीजों को यहां पर देखेंगे। कंट्रोल के साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है पूरी की पूरी एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए, हालांकि पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए या चयनित करने के लिए, पूरी वर्कशीट को चयनित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार का भी इस्तेमाल किया जा सकता है आगे, ठीक है आगे देखो, चयनित करने के लिए आगे, कंट्रोल होम, कंट्रोल के साथ या तो होम को दबा दो, कंट्रोल के साथ शिफ्ट या तो एंड को दबा दो, सेलेक्ट द एंटायर रेंज ऑफ एक्चुअल यूज डेटा ऑन द करंट वर्कशीट, पूरी रेंज जिस डेटा का आप इस्तेमाल कर रहे हो उस डेटा की पूरी रेंज को सेलेक्ट करने के लिए, चयनित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल प्लस होम का या कंट्रोल शिफ्ट एंड का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल स्पेस और शिफ्ट स्पेस ये तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, मैंने आपको बताया भी था, सी से कंट्रोल, सी से कॉलम, सारे कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है या सारे कॉलम को हाईलाइट करना है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सारी रो को हाईलाइट करना है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये तो हमने पहले भी किया था, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आती है कुछ और शॉर्टकट कीज, थोड़ी छोटी सी दिखाई दे रही होंगी पर मैं इसको समझाऊंगी और नोट पर भी लिख दूंगी ताकि अगर कोई चीज किसी में भी डाउट हो तो वह पूछ सके, ठीक है बच्चा, किसी चीज का कॉपी पेस्ट मत करना जो पढ़ा रही हूं, केवल उसी से रिलेटेड चीजों को लिखना भी अगर लिख रहे हो, क्योंकि अगर आप कोई भी मैसेज करोगे एट द प्रेजेंट मैं नहीं देख पाऊंगी क्योंकि अभी मैं पढ़ा रही हूं, बाद में लास्ट के 10 मिनट आप लोगों को जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो, पर स्टार्टिंग में केवल ध्यान सामने रखिएगा। फिर आती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6, अब ये सारे नंबर के साथ है इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ना, मैं इसकी ट्रिक बनाने वाली हूं, साथ ही बनाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट F6, पहले वाली प्रीवियस वर्कबुक पर जाने के लिए, जो पहले वर्कबुक बनाई गई होगी उस पर जाने के लिए,
ये प्रीवियस वर्कबुक दे रखा है, प्रीवियस वर्कशीट से मत इसको कंपेयर कर लेना। प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए तो कंट्रोल शिफ्ट F6 का भी इस्तेमाल किया जाता है, और प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए मैंने कल आपको बताया था कंट्रोल के साथ पेज अप का भी इस्तेमाल होता है, याद है ये वाली शॉर्टकट की। अगर आपको पहले वाली वर्कशीट पर जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाएंगे तो पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के साथ। ये प्रीवियस वर्कशीट पर जाने के लिए, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद है ना। और एक होती है अगर आप एक वर्कशीट नेक्स्ट नीचे वाली वर्कशीट पर जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट वर्कशीट पर जाने के लिए पेज डाउन नीचे जाना पड़ रहा है ना, तो पेज डाउन का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्कशीट थी, अभी वर्कबुक की बात कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट F6 का इस्तेमाल किया जाता है प्रीवियस वर्कबुक के लिए। विंडो के बीच में मूव करने के लिए F7 का इस्तेमाल होता है। वैसे तो F7 स्पेलिंग चेक करता था, लेकिन विंडो के बीच में मूव करने के लिए कंट्रोल के साथ F7 का इस्तेमाल होता है। F8 अगर कंट्रोल के साथ करोगे तो रीसाइज, साइज को बड़ा बड़ा छोटा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ F9 का इस्तेमाल होता है विंडो को छोटा करने के लिए, मिनिमाइज विंडो, विंडो को छोटा करने के लिए, और कंट्रोल के साथ F10 विंडो को बड़ा करने के लिए। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था फंक्शन की में, F9 ब्राइटनेस को बढ़ाता है, F10 ब्राइटनेस को घटाता है, पढ़ा था, सॉरी उल्टा बोल दिया, F9 ब्राइटनेस को घटाता है, F10 ब्राइटनेस को बढ़ाता है, यही पढ़ा था फंक्शन की के अंदर। तो यहां पर भी मिनिमाइज करेंगे कंट्रोल के साथ F9 से, मैक्सिमाइज करेंगे कंट्रोल के साथ F10 से, बस। अच्छा, F11 वैसे तो स्क्रीन को फुल स्क्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन मैक्रो शीट को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ F11 का इस्तेमाल किया जाता है। आज के पेपर में आया था कि स्प्रेडशीट को, नई स्प्रेडशीट को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, तो नई स्प्रेडशीट को जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का इस्तेमाल किया जाता है। नई शीट को इंसर्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए शिफ्ट के साथ F11 का इस्तेमाल किया जाता है, आया था क्वेश्चन में आज। कंट्रोल प्लस F12, वैसे F12 सेव एज के लिए इस्तेमाल होता है, पर कंट्रोल के पास करोगे तो ये फाइल को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। इसके बाद क्रिएट नेम यूजिंग दोज आइदर रो और कॉलम लेबल। अगर आप रो और कॉलम के लेबल में कुछ नाम लिखना चाहते हैं, सपोज ये मैक्सिमम बच्चों का नाम है, सपोज लिखना चाहते हैं बच्चे पास हो गए उन बच्चों का नाम है, इनको अवार्ड मिलेंगे उन बच्चों का नाम है, तो अगर आप नाम क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट F3 का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो याद करने का तरीका क्या होता है, रटने वाले तो है नहीं ना इतना टाइम है। F3 का इस्तेमाल होता था सर्च करने के लिए, ढूंढो जरा ढूंढो उसे क्या हुआ है, मतलब किसको ढूंढ रहे हो, तो जिसको ढूंढोगे उसका नाम पता होना चाहिए ना, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3 ढूंढो जरा ढूंढो किसके लिए, नाम पता करने के लिए। तो अगर नाम लिखना है रो एंड कॉलम का तो कंट्रोल शिफ्ट F3 के साथ यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F6 ये तो सेम हमने इसी के अंदर पढ़ा है, ठीक है, उसी से रिलेटेड। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आप F12 का इस्तेमाल करते हो तो जो करंट वर्कशीट है उसको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि हमने प्रिंट के बारे में जब पढ़ा था तो मैंने बताया भी था, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ आप P का भी इस्तेमाल करते हो, कंट्रोल शिफ्ट F12 का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर प्रिंट प्रिव्यू देखना है, अगर आप जो भी चीज प्रिंट कर रहे हो आप उसको पहले देखना चाहते हो कि भाई वो प्रिंट होकर कैसी दिखाई देगी, तो कंट्रोल के साथ F2 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे फिर ये ऑल्ट के आ जाते हैं। ऑल्ट के साथ F1 का इस्तेमाल किया जाता है चार्ट को इंसर्ट, चार्ट को जोड़ने के लिए, ऑल्ट चार्ट को जोड़ने के लिए F1 का इस्तेमाल होता है। F2 का इस्तेमाल होता है सेव एज के लिए, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देखो पूछ तो वो कुछ भी रहा है, लेकिन ये ऑल्ट वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये कमांड होती है माउस की, तो ये इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती, कीबोर्ड की ज्यादातर पूछता है, तो मैंने आपको बता दी, बट एक बार एक नजर डाल भी लेना। ये पूछ सकता है एग्जिट एक्सेल, अगर एक्सेल से बाहर निकल कर आना है तो ऑल्ट के साथ F4 का इस्तेमाल किया जाता है।
आपसे पूछ सकता है नई वर्कशीट को बनाने के लिए, ये पूछ सकता है। तो नई वर्कशीट को बनाने के लिए ऑल्ट शिफ्ट एफ वन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये जरूर कवर कर लेगा। बस इतना ही पूछता है, क्लियर है? आगे चलें तो नई वर्कशीट को सेव करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट एफ टू का इस्तेमाल किया जाता है। मैम अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप उसे कहां पर भेज दोगे? पीडीएफ से अच्छा बच्चा आप इसको लिख लेना, ठीक है? पीडीएफ से नहीं तो रटने में लग जाओगे, फिर नहीं याद हो पाता है। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगी कि पीडीएफ मैं कहां भेजूंगी, ठीक है? मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है? बट कहां पे वो लास्ट में बताती हूँ मैं आपको। लेकिन मैं ये बोलूंगी पर्सनली आप पीडीएफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगी क्योंकि लास्ट टाइम है, जरूरी है आप सभी के लिए। पर इसको आप खुद से जरूर याद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसका फटाफट से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब आ जाती है यहाँ पे और भी शॉर्टकट कीज। देखो जितनी हो सकती थी मैंने सारी ही प्रोवाइड करवा दी आपको। अब कहते हैं ना जब एग्जाम पास आ जाते हैं, एग्जाम एकदम नजदीक होता है, तो जो चीज हम एक दिन में याद नहीं कर पाते थे वो एक घंटे में याद कर लेते हैं। करोगे आप में से बहुत सारे बच्चे करेंगे। अभी एक वीडियो मैंने बनाई थी, वो भी एक बार जरूर देख लेना, मैं बता दूंगी अंतिम लास्ट में। अब आ जाओ शिफ्ट की तरफ, ये सारे शिफ्ट के हैं और फिर कंट्रोल के आ जाएंगे। अगर मैं शिफ्ट की कीज के बारे में बात करती हूँ, ये सारी की सारी शिफ्ट की हो जाएगी। शिफ्ट प्लस एफ वन ओपन द व्हाट्स इट। अच्छा, शिफ्ट का इस्तेमाल वैसे चिन्हों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, पता है ना, सिंबल को दिखाने का काम होता है शिफ्ट वाली की का। शिफ्ट के साथ एफ वन ओपन द व्हाट्स दिस, ये कौन सी विंडो है? वैसे भी एफ वन तो हेल्प करता है भैया, अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ नहीं पता तो एफ वन को दबा देते। इसके बाद अलाउ द यूजर एडिट अ सेल्फ कमेंट, सेल के कमेंट को एडिट करने के लिए। यहां पर आप देखोगे तो सेल के अंदर जो कमेंट आपने लिखा है, आज पूछा था सेल को एडिट करने के लिए, कल पूछ सकता है सेल के कमेंट को एडिट करने के लिए। सेल के अंदर जो टिप्पणी लिखी है कमेंट, उसको एडिट करने के लिए कंट्रोल एफ टू का, सॉरी शिफ्ट के साथ एफ टू का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर? ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, एक्सेल के फॉर्मूला विंडो को खोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? शिफ्ट के साथ F3 का। कंट्रोल शिफ्ट F3 इस्तेमाल होता था किसके लिए? ढूंढो जरा, ढूंढो उसे क्या हुआ है, मतलब सेल के या कॉलम के या रो के लेबल के नाम को दिखाने के लिए। और केवल शिफ्ट के साथ F3 का इस्तेमाल करोगे तो ये एक्सेल के फॉर्मूला को खोलकर दिखा देगा। शिफ्ट के साथ F3 MS वर्ड में क्या करता है? तो ये टॉगल का इस्तेमाल किया जाता है, सारे लेटर को कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम एक्सेल का पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला दिखाएगा। शिफ्ट के साथ F5 की अगर मैं बात करती हूँ, ब्रिंग अप अ सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स को ऊपर की तरफ खोलकर दिखा देगा। शिफ्ट के साथ F6 की बात करते हैं, प्रीवियस पेन, पहले जो भी पेन खुले हुए होंगे उनको दिखा देता है या वहां पर मूव कर देता है। सेलेक्शन को एड करने के लिए F8, हालांकि इतना पूछता नहीं है, बाकी तो मुश्किल से ही पूछेगा। परफॉर्म कैलकुलेट फंक्शन ऑन एक्टिव शीट, एक्टिव शीट पर जो भी कैलकुलेट फंक्शन किए हैं उन सभी को परफॉर्म करवाने के लिए शिफ्ट के साथ F9 का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने स्टार और डबल लाइन खींच दिया उनके आगे। ओपन एक्सेल नेम मैनेजर, एक्सेल के नेम मैनेजर को खोलने के लिए शिफ्ट कंट्रोल के साथ F3 का इस्तेमाल किया जाता है। करंट विंडो को क्लोज करने के लिए ये पूछ सकता है। एक्सेल एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए ऑल्ट के साथ F4, विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ F4 का इस्तेमाल किया जाता है। रीस्टोर विंडो साइज, विंडो साइज को रीस्टोर करने के लिए कंट्रोल के साथ 5 आ जाएगा। और नेक्स्ट वर्कबुक पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ F6 आ जाएगा। मैंने जिसकी सामने स्टार या डबल लाइन बनाई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने आपको सारी ही दे दी है, ठीक है? बच्चा वॉइस कम आ रही है, सेटिंग पे जाकर चेक करो लैपटॉप पे ठीक है सब कुछ या नहीं। पढ़ लो, गंदी बातें मत करो, ठीक है? गलत बात मत किया करो। मेरे को पता चलता है ये क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा मन करता है कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं जितना कुछ प्रोवाइड करवा सकती हूँ, फिर उसमें आप लोगों की पता नहीं क्या ही शुरू हो जाता है। पेपर सर पे है, ठीक है? जब पेपर देने जाते हैं ना तब याद नहीं आता कौन पुष्पा थी क्लास में और कौन क्या था, कुछ भी याद नहीं आता फिर। और सही बता रही हूँ मैं, बिना एग्जाम के या बिना सिलेक्शन के या बिना जॉब के कुछ भी नहीं है दुनिया में,
सब भूल जाते हैं, कौन था ये, कब आया था ये, धरती पे क्यों आया था ये। तो इसलिए सिलेक्शन या जॉब बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आ जाओ अभी बाद में बातें करते हैं। अब यहां पर ये फंक्शन की है, ध्यान रहे टोटल 12 फंक्शन की है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है ये 12 की 12 फंक्शन की नॉर्मल जनरली। लेकिन टोटल फंक्शन की का इस्तेमाल एक्सेल में क्या होता है भाई, फंक्शन की का, कौन सी फंक्शन की का क्या काम होता है एमएस एक्सेल में, वो यहां पर हम एक साथ देख लेंगे। F1 की अगर मैं बात करती हूं तो ये हेल्प मेन्यू, हेल्प को ही करने का काम करती है, मदद की होती है। F2 आज के पेपर में पूछी गई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर, तो ये सेल को एडिट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। F3 की अगर मैं बात करती हूं तो ये आफ्टर द नेम इज क्रिएटेड, F3 पेस्ट नेम, नेम को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, कोई भी नाम अगर आपने क्रिएट किया होगा उसको पेस्ट कर देगी। F4 की अगर मैं बात करती हूँ, रिपीट लास्ट एक्शन, जो भी काम आपने लास्ट किया है उसी को रिपीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। F5 गो टू होती है, गो टू का मतलब गोज टू द स्पेसिफिक सेल, आप किसी भी सेल पे जाना चाहते हो, सपोज आपने F5 को दबाया, कोई भी स्पेसिफिक सेल आप नाम डालोगे आप उस पर पहुंच जाओगे। F6 का इस्तेमाल किया जाता है मूव द नेक्स्ट पेन, अगले पेन पर जाने के लिए। F7 स्पेलिंग चेक करेगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। F8 एंटर एक्सटेंडेड मोड, जो भी जिस पर भी आप काम कर रहे हो उसको और ज्यादा एक्सटेंड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। F9 का इस्तेमाल होता है रिकैलकुलेट एवरी वर्कबुक, हर एक वर्कबुक को दोबारा से कैलकुलेट करना। F10 मेन्यू बार, ये भी सेम ही है। F11 ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट को बनाने के लिए, जैसे आप स्प्रेडशीट पर काम करते हो, बच्चा ये रेड कलर का सिंबल क्यों बनाया है आपने, कल मेरा एग्जाम है कानपुर में, ओके ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। देखो आप स्प्रेडशीट पर जब काम करते हो ना, तो स्प्रेडशीट पर सेलेक्टेड सेल से अगर आप चार्ट बना रहे हो तो सेलेक्टेड सेल से चार्ट बनाने के लिए F11 का इस्तेमाल किया जाता है, ये इसकी शॉर्टकट मतलब हो जाएगा काम। और F12 का सेम होता है, सेम है, इसमें तो कुछ है नहीं, बस इंपॉर्टेंट ही होगा तो उसको जरूर पढ़ लेना, जरूर जरूर पढ़ लेना। ठीक है चलिए आगे, हाँ जी चलो आगे चलते हैं फिर। इसमें केवल F11 ही इंपॉर्टेंट है और F2 तो पूछ ही लिया है, हो सकता है आगे भी पूछ लिया जाए। आगे Alt के साथ टैब का इस्तेमाल किया जाता है साइकिल्स थ्रू दी एप्लीकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशंस खोली हैं उन एप्लीकेशन के बीच में स्विच करने के लिए Alt के साथ टैब का इस्तेमाल किया जाता है। Alt के साथ स्पेस बार ओपन द सिस्टम मेन्यू, सिस्टम के अंदर जिस भी जो सा भी मेन्यू है, सिस्टम के अंदर जिस भी प्रकार का मेन्यू होता है उसको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं Alt के साथ स्पेस बार। Alt के साथ बैक स्पेस अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अंडू भी आप केवल 100 टाइम्स ही कर सकते हो, ना इससे ज्यादा अंडू कर ही नहीं सकते। अंडू की एक और शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ, क्या होती है, जेड होती है। Alt के साथ एंटर व्हाइल टाइपिंग टेस्ट इन सेल प्रेसिंग Alt एंटर मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए Alt के साथ किसका एंटर का इस्तेमाल किया जाता है, एक सेल की अगली लाइन में जाने के लिए, अगली लाइन में जाने के लिए Alt के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे Alt के साथ बराबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Alt के साथ बराबर ये सारे के सारे सेल जो भी ऊपर की तरफ थे सारे के सारे सेल को सम करने के लिए, सारे के सारे डेटा को जोड़ने के लिए Alt के साथ बराबर का इस्तेमाल किया जाता है। और Alt के साथ ऊपर वाला डैश ये अलाउज फॉर्मेटिंग ऑन द डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स के अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पूरे के पूरे डेटा में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आई, एक तो Alt के साथ टैब और एक Alt के साथ बराबर का साइन, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैम पट्टी हटा दीजिए नीचे का नहीं दिख रहा है, बच्चा मैं पट्टी नहीं हटा सकती, अरे नीचे का तो दिख रहा है, हाँ शैतान क्या नहीं दिख रहा बताओ, चलो हटा नहीं सकते ना पट्टी, चलो मैं कोशिश करूंगी इसको थोड़ा सा और प्रोवाइड कर लूंगी, आ जाओ। फिर हम बात करते हैं शिफ्ट के साथ इंसर्ट,
तो शिफ्ट के साथ इंसर्ट मैंने आपको बताया, अभी बताया भी था कि कंट्रोल के साथ वी शिफ्ट के साथ इंसर्ट पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शिफ्ट के साथ पेज अप इन अ सिंगल कॉमन हाईलाइट ऑल सेल, शिफ्ट के साथ पेज अप सिंगल कॉलम के सारे सेल को, ऊपर वाले सारे सेल को हाईलाइट करने का काम करता है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन नीचे वाले सारे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे चलते हैं, शिफ्ट के साथ होम को दबाएंगे तो हाईलाइट ऑल टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के बाईं ओर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो सब हाईलाइट हो जाएंगी। अगर शिफ्ट के साथ एंड को दबाया जाएगा तो जो भी चीजें कर्सर के राइट साइड दाईं ओर लिखी हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। हालांकि इतना पूछता नहीं है बट फिर भी जहां तक है कंट्रोल शिफ्ट और एंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, होम और एंड। अप एरो ऊपर वाले सेल की चीजों को हाईलाइट कर देगा, डाउन एरो नीचे वाली चीजों को हाईलाइट कर देगा, लेफ्ट एरो लेफ्ट साइड वाली चीजों को हाईलाइट करेगा और राइट एरो राइट वाली चीजों को हाईलाइट करेगा। तो ये तो सिंपल ही है, ठीक है, जो पढ़ के आप बता दोगे। इनमें से केवल ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये शॉर्टकट की याद रखना पेस्ट की होती है। क्लियर है? हाँ जी बच्चा बिल्कुल। अभी रुको जाओ, मैंने बोला आपसे थोड़ा सा टाइम दे दो, थोड़ी सी चीजों को पहले हम कवर अप कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है चीजें। इसके बाद हम आते हैं थोड़ी सी और चीजों के बारे में जानने के लिए। सारी एमएस एक्सेल की ही शॉर्टकट कीज है जो मैं आपको आज करवा रही हूँ। कंट्रोल के साथ होम का इस्तेमाल किया जाता है मूव टू सेल वन। पहले सेल वन आने के लिए A1 कौन सी सेल होती है? ये पहली सेल होती है एमएस एक्सेल की। पहली सेल पे आने के लिए कंट्रोल के साथ होम, कंट्रोल उदय कंट्रोल इसके ऊपर कहां जाएगा? कंट्रोल के साथ एंड करोगे तो लास्ट वाली सेल पर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट वाली सेल कौन सी होती है? XFD 1048576, ये लास्ट सेल का एड्रेस होता है, लिख लेना। कंट्रोल प्लस टैब मूव बिटवीन टू और मोर ओपन एक्सेल फाइल। एक्सेल के अंदर जो भी फाइल खुली हुई है उनके बीच में, अभी एक्सेल शीट है, इसमें शीट वन है, शीट टू है, शीट थ्री है, शीट के बीच में मूव करने के लिए कंट्रोल के साथ टैब का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल उधर कंट्रोल सबसे ऊपर A1, कंट्रोल के साथ एंड सबसे नीचे, ऑल्ट कंट्रोल के साथ टैब, जितने भी शीट है उन सबको उनके बीच में स्विच करने के। कंट्रोल शिफ्ट टैब एक्टिवेट द प्रीवियस वर्कबुक, ये इतना नहीं इंपॉर्टेंट होगा। फॉर्मूले में आर्ग्यूमेंट को डालने के लिए A से आर्ग्यूमेंट, फॉर्मूले में आर्ग्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट के नाम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट A का इस्तेमाल होता है, ये भी इतना ज्यादा वो नहीं है। फॉर्मेट के लिए या फॉन्ट के लिए, फॉन्ट के लिए, अक्षर के लिए, ओपन द ड्रॉप डाउन मेन्यू अक्षर से संबंधित जानकारी के लिए कंट्रोल शिफ्ट F का इस्तेमाल करते हैं। A से आर्ग्यूमेंट आ जाएगा और F से फॉन्ट आ जाएगा अगर अक्षर दे रखे हैं तो। कंट्रोल शिफ्ट O, O से क्या आ जाएगा? तो सेलेक्ट ऑल ऑफ द सेल दैट कंटेन कमेंट, उन सभी सेल को, ये इंपॉर्टेंट है, उन सभी सेल को सेलेक्ट करना जिसमें कमेंट लगा हुआ है, जिसमें टिप्पणी लगा रखी है, जिसमें कमेंट लगे हुए हैं उन सेल को सेलेक्ट करने का काम होता है। कंट्रोल शिफ्ट ओ, ओ माय गॉड इन सभी में कमेंट है। कंट्रोल शिफ्ट पी, इसका इस्तेमाल पॉइंट साइज के लिए होता है। पॉइंट साइज का मतलब होता है फॉन्ट का आकार। वैसे तो आपको कंपनी 8 से 72 तक का पॉइंट देती है अक्षर को लिखने के लिए, बड़ा छोटा, और वैसे मैनुअली हम कम से कम एक और बड़े से बड़ा 409 पॉइंट तक का अक्षर लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, कंपनी जो अवेलेबल करवाती है वो भी मैंने बता दिया और जो नॉर्मली लिखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आ जाओ आगे। इसके बाद आपका, अब तो खैर मुझे नहीं लगता ज्यादा बचा है, थोड़ा सा ही पॉइंट बचा है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये कर्ली ब्रैकेट है, सेलेक्ट ऑल सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफरेंस फ्रॉम द फॉर्मूला इन द हाईलाइटेड सेक्शन, उन सेक्शन को हाईलाइट करना जिनमें फॉर्मूला लगा हुआ है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल शिफ्ट ओपन वाला कर्ली ब्रैकेट।
कंट्रोल शिफ्ट क्लोज वाला कर्ली ब्रैकेट ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये भी उन सभी सेलेक्ट सेल विच कंटेन फॉर्मूला दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेफरेंस द एक्टिव सेल, वो सेल जो एक्टिव है उनके फॉर्मूले वाले सेल को देखने के लिए क्लोज ब्रैकेट लगता है, वो भी कर्ली वाला। ओपन ब्रैकेट लगता है जो हाइलाइटेड, जो सेलेक्ट किए गए सेल हैं, जो आप सेलेक्ट कर रहे हो उनके फॉर्मूले को दिखाने का काम होता है ओपन कर्ली ब्रैकेट का। आप खुद कर रहे हो ना, हम तो ओपन माइंडेड है। और जो एक्टिव है सेल, अगर उनके रेफरेंस से फॉर्मूले वाली कंटेंट को दिखाया जा रहा है तो वहां पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाला लगता है। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये वाला सिंबल पाइप कहलाता है। सेलेक्ट द सेल विद इन अ कॉलम दैट डज नॉट या डोंट मैच द फॉर्मूला और स्टैटिक वैल्यू इन द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल से रिलेटेड कोई भी वैल्यू मैच नहीं कर रही, उसको देखने के लिए जो वैल्यू मैच नहीं कर रही है एक्टिव सेल से, उस वैल्यू को ढूंढने के लिए कंट्रोल शिफ्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसमें अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिल द सेलेक्टेड सेल विद द करंट एंट्री। करंट एंट्री से सेल को फिल करना ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये दोनों मैंने आपको पहले बता दिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी है। सी से कंट्रोल, सी से कॉलम, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ स्पेस बार, पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार, और अगर देता रो को तो पूरे रो को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आती है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार। ये इंपॉर्टेंट है और ये देखना आगे आने वाली शिफ्टों में जरूर पूछ ली जाएगी। स्पान ही होगा, वो स्पेस बार होगा, ठीक है। हाँ जी, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगी, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ठीक है। परेशान मत हो बच्चा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ओके। इतना तो मुझे ही पता है, तभी तो मैं आपके लिए सेशन ले रही हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप में से काफी बच्चे हैं जो घबरा गए, इतनी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैम, 5-6 क्वेश्चन, तो जरूर देखना जरूरी है। और यही आप देखना, अगर कंप्यूटर पूछा जा रहा है तो ये प्रैक्टिकल ही पूछा जा रहा है। यही आपको हरियाणा के एग्जाम में देखने को मिलेगा सीईटी के अंदर, यही आपको राजस्थान के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो शॉर्टकट कीज तो अब ये मान के चलो पूछी जाएंगी। मैंने बोला ना, सारी की सारी जिम्मेदारियां एक्सेल कोई दे दी, तुम ही संभालो। अब आ जाओ इधर देखो, अनहाइड रो। अब आ जाते हैं हम इस पर। अगर ये पूछता है कि रो को हाइड करना है, छुपाना है, तो रो को छुपाने की शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस नो, नो रो, रो मत भैया, मत रो, नो रो, नो रो। अगर आप कॉलम को छुपाने की बात करते हैं तो कॉलम को छुपाने की शॉर्टकट की थी कंट्रोल के साथ जीरो, ये तो हमें पता है। और अनहाइड मतलब उजागर कर दो, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओपन ब्रैकेट, या कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप ले सकते हो नो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लोज ब्रैकेट, या ले सकते हो जीरो, ये उजागर कर देता है, अनहाइड कर देता है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, एरे वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले से रिलेटेड आ जाता है, इतना ज्यादा हाइलाइटेड नहीं पूछा जाता है। और ये हमने कर ही लिया, ठीक है, ये दोनों चीजें वही दे रखी है आपको जो हमने कर्ली ब्रैकेट के साथ की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर की ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे चलते। क्लियर है बच्चा? आज एग्जाम था, आज एग्जाम है, मतलब 3 शिफ्ट में है। अभी 2:30 बजे 2:15 बजे भी आपका एनालिसिस होगा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। आज 3 शिफ्ट में पेपर है, 11 तारीख को नहीं था, 15 और 16 को नहीं होगा, बाकी सभी दिन पेपर है 20 तारीख तक, ठीक है, आ जाओ। कंट्रोल शिफ्ट और ये कैरेट वाला सिंबल है, ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले सिंबल को कहते हैं कैरेट। अब ये कैरेट वो वाला नहीं है, खरगोश वाला, ठीक है, ये कैरेट रेडिश वाला कैरेट नहीं है। ये क्या हो जाएगा? तो ये होता है एक्सपोटेंशियल का साइन। अप्लाइज एक्सपोटेंशियल फॉर्मेटिंग, दे दिया ना एक्सपोटेंशियल का साइन। अगर दे रखा है 2 कैरेट 3, मतलब 2 का क्यूब पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 8। ये वाला सिंबल होता है एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं हम एस्ट्रिक, इस वाले सिंबल को। इसका इस्तेमाल किया जाता है करंट रीजन अराउंड द एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के आसपास की करंट रीजन कौन सा है, एरिया कौन सा, उसको दर्शाने के लिए। ये वाला साइन, इसको कहा जाता है एम परसेंट, इसको कहा जाता है एम परसेंट, प्लेस बॉर्डर एंड लॉस सेटलर सेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया उस सेल के आसपास बाउंडर, मतलब बाउंडर कह रही हूं, बवंडर, बॉर्डर लगाने का काम इसी का होता है। अच्छा, एक्टिव सेल की पहचान क्या होती है कि उस सेल के आसपास डार्क बोल्ड बॉर्डर होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये वाला साइन होता है अंडरस्कोर। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर इसका इस्तेमाल करते हैं बॉर्डर को हटाने के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है, यहां पे हर एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्लस, अगर आप किसी सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं सेल को जोड़ने के लिए, और अगर आप किसी सेल को हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ माइनस कर दो। इसका तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट तो बनता है। आजमगढ़ में एग्जाम है आपका, बिल्कुल बच्चा एग्जाम देने जाना। अगर कोई एग्जाम छोड़ेगा तो पिटाई खाएगा। एग्जाम छोड़ेगा कोई भी स्टूडेंट नहीं, एग्जाम देने पक्का जाना है आपको। तैयारी क्यों करिए फिर आपने, जब आप फॉर्म फिल करते हो ना, अपना मन बना लिया करो मैं एग्जाम दे के आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आप एग्जाम से डर जाओगे। चलो चले आगे, स्क्रीनशॉट जरूर ले लो पॉज करके, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा, इसका तो एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पे कंट्रोल शिफ्ट, और यहां पर दे दिया है डबल कोट्स, कॉपी वैल्यू फ्रॉम द सेल अबव, ऊपर वाले सेल की वैल्यू को कॉपी करने के लिए, ऊपर वाले सेल की वैल्यू को कॉपी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ माइनस मैंने बता ही दिया था, डिलीट करने के लिए भी घटाना है माइनस करना है। कंट्रोल शिफ्ट बराबर इंसर्ट अ न्यू कॉलम और रो, नए कॉलम या रो को जोड़ने के लिए, नए कॉलम या रो को जोड़ने के लिए कंट्रोल शिफ्ट बराबर का इस्तेमाल कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये वाला साइन क्या कहते हैं इसे जरा देखना, इसे हाइफन क्या कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्विच बिटवीन शोइंग एक्सेल फॉर्मूला और देयर वैल्यूज इन सेल। जितने भी फॉर्मूला है आपके एक्सेल के अंदर उनके बीच में स्विच करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और इस वाले साइन को कहते हैं एट द रेट। इस साइन का इस्तेमाल किया जाता है टाइम के फॉर्मेटिंग को लगाने के लिए। अब ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो जिनमें मैंने स्टार बनाया था वो थी, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। डेट का फॉर्मेट लगा, सॉरी टाइम, टाइम का फॉर्मेट लगाना है तो एट द रेट का इस्तेमाल करते हैं। कहते नहीं है एट 2 PM या एट 1 PM क्लास होती है आपकी डेली कंप्यूटर की, टाइम के आगे एट लगता है तो ये टाइम को दर्शाएगा। ये होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, पढ़ते हैं ना हम इंग्लिश में, वाओ पास हो गई, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्सक्लेमेटरी साइन, किसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉमा वाले फॉर्मेट को लगाने के लिए, 2 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं बताएगा, 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे करके। ये वाला सिंबल होता है, इसको कहते हैं डॉलर वाला सिंबल। इसका इस्तेमाल किया जाता है करेंसी के फॉर्मेट को लगाने के लिए, पैसा को लगाने के लिए, ठीक है। ये वाला साइन होता है, इसको कहते हैं हैश। वैसे इसको कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर भी कहा जाता है, प्री प्रोसेसर, वैसे इसको हैश कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है डेट वाले फॉर्मेट को लगाने के लिए, डेट तारीख को लगाने के लिए। जैसे आज है 12 अक्टूबर 2022, अगर किसी ने सीजीएल के फॉर्म नहीं भरे और आपका मन है सीजीएल को देने का, क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ है, तो अब ये नहीं कि सारा का सारा पेपर सेकंड वाला इंग्लिश और मैथ्स पे डिपेंड है, सबको बराबर का हक मिला है, तो आप जरूर सीजीएल का फॉर्म भर लेना। लड़कियों के लिए फ्री है, लड़कों के लिए 100 रुपए फीस होगी, और कल लास्ट डेट है, तो भरना चाहो बिल्कुल भर लेना। दिसंबर में पेपर हुआ, इसके 2 टीयर होते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी हटा दिया इस बार, तो 2 टीयर है। पहला टीयर होगा क्वालिफाई नेचर का, सेकंड पेपर होगा जो पूरा का पूरा आपका होगा नंबर मेरिट जिस पर से बनेगी, फिर टाइपिंग होगी क्वालिफाइंग नेचर की, बस डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर लग गई जाओ, तो जरूर भर लेना, लास्ट डेट है कल, आ जाओ। फिर परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूं, परसेंटेज इसको कहते हैं मोड, वैसे मॉड्यूल वाला साइन होता है ये। परसेंटेज के फॉर्मेट को अप्लाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। हां जी बच्चा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर है। चलिए आगे, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते, पॉज करके ले लिया करो।
इसके बाद आता है कंट्रोल के साथ वैल्यू, कंट्रोल के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, क्योंकि पूछ सकता है भैया, पूछ रहा है वो। कंट्रोल के साथ वन का इस्तेमाल होता है चेंज द फॉर्मेट ऑफ द सेलेक्टेड सेल। जो भी सेल आपने सेलेक्ट किया है, अगर आप उसके फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं, फॉर्मेट को चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ वन का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ टू का इस्तेमाल होता है जो भी चीजें लिखी हैं उसको बोल्ड डार्क डार्क लिखने के। कंट्रोल के साथ थ्री का इस्तेमाल किया जाता है जो भी चीजें आपने लिखी हैं उसको तिरछा इटैलिक लिखने के लिए, नहीं ऐसे लिख दो इटैलिक एग्जाम, बोल्ड लिखना है तो बोल्ड के अंदर डार्क डार्क लिखना पड़ेगा एग्जाम। कंट्रोल के साथ फोर होगा अंडरलाइन के लिए, जो भी चीजें आप लिख रहे हो, जो भी चीजें आप लिख रहे हो उसके नीचे अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल के साथ फाइव का इस्तेमाल होता है स्ट्राइक थ्रो के लिए। स्ट्राइक थ्रो का मतलब पता है आपको, आप जो भी चीजें लिख रहे हो उसके ठीक बीच में पेट को काटते हुए एक लाइन निकाल दो। कंट्रोल प्लस सिक्स का इस्तेमाल होता है शो और हाइड ऑब्जेक्ट। देखो ये इसने रो और कॉलम पूछ लिया, ये नहीं पूछा, तो अब आने वाली शिफ्टों में ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट होता है जो आप लिख रहे हो उसको छुपाने के लिए या दिखाने के लिए कंट्रोल के साथ सिक्स का इस्तेमाल होगा। कंट्रोल के साथ सेवन का इस्तेमाल होता है टूल बार को छुपाने या दिखाने के लिए। कंट्रोल के साथ एट का इस्तेमाल होता है टॉगल द आउटलाइन सिंबल, जो भी सिंबल है उनको टॉगल, टॉगल का मतलब होता है सबको ओरिजिनल से डुप्लीकेट बनाने के लिए। कंट्रोल प्लस नाइन नो रो, रो मत रो, तो रो को छुपाने के लिए। और कंट्रोल के साथ जीरो का इस्तेमाल होता है कॉलम को छुपाने के लिए। तो कॉलम और रो तो शायद पूछा गया है, तो इसलिए अब जो बच गया वही पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है? हाँ जी, सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, बिल्कुल बच्चा। आप सीजीएल का फॉर्म तभी भर सकते हो जब आप ग्रेजुएट हो, लास्ट ईयर अपेयरिंग हो तो भी भर सकते हो। मैम वॉइस नहीं आ रही है, बच्चा थोड़ी बहुत आ रही होगी। चलो डर लग रहा है, डरने वाली क्या बात है जब आपने इतना पढ़ा है तो। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो पॉज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये नीचे का ये तो है ही है। चलते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, जल्दी से देखो इसे भी फटाफट से बताओ यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से देखो, बस मैं एक मिनट में आई। इसको देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट और यहां पर दे दिया है आपको कॉलन, ठीक है। अरे तो हमने पढ़ा था डेट और टाइम। अच्छा एक और चीज, डेट और टाइम अभी तक पूछा नहीं है। जब डेट और टाइम नहीं पूछा है तो पूछेगा भाई, जो नहीं पूछा है वही तो पूछेगा, जो पूछ लिया वो क्यों पूछेगा, जो पूछ लिया है वो आगे वाले एग्जाम में पूछेगा। हरियाणा वाले सतर्क रहे, सावधान रहे, राजस्थान वाले सतर्क रहे, सावधान रहे, यूपी पीसीएल वाले सतर्क रहे, सावधान रहे। आ जाओ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ जब कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये करंट टाइम, ये जो समय हो रहा है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन जो तारीख है, तारीख पे तारीख, तारीख को दिखाने के लिए। अच्छा वो कौन सा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टाइम और डेट दोनों को दिखाने के लिए, तो नाउ का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर है, ध्यान रखना ये भी। कंट्रोल के साथ आप इस साइन का इस्तेमाल करते हो तो जो भी सेल की वैल्यू दिख रही है वर्कशीट के अंदर, जो भी फॉर्मूले हैं उनको चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। डरो मत, मैं भी आपको बता दूंगी इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका फटाफट से। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
इसके बाद आता है माउस, आई थिंक ये लास्ट ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है। अब माउस का इस्तेमाल क्या होता है भाई, अभी तक एक्सेल दे रहा है, हो सकता है कल उसने एमएस वर्ड दे दिया, फिर भागो ऐसा हो जाएगा। तो आपको माउस का ही पता होना चाहिए, हमारे पास जो माउस होता है माउस के अंदर कौन सा क्लिक करते हैं तो क्या काम होता है, कितना लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या काम होता है। माउस को 1964 में डगलस एंगलबर्ट के साथ साथ विलियम इंग्लिश के द्वारा बनाया गया था। माउस बेसिकली तीन प्रकार की होती है, मैकेनिकल माउस जिसके अंदर रबड़ पाई जाती है, ऑप्टिकल माउस जो कि बिजली पर चलता है, वायरलेस माउस जो कि ब्लूटूथ से जुड़ता है, और ब्लूटूथ से जुड़ने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। आ जाओ, ब्लूटूथ एक से दस मीटर तक के कनेक्शन को बनाने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लूटूथ पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है। हम बात कर रहे थे माउस के बारे में, तो क्लिक होल्ड और ड्रैग, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम वेयर यू क्लिक एंड होल्ड द पॉइंट यू ड्रैग टू द लेफ्ट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने ना ये ऑब्जेक्ट था, मैंने यहां पर कर्सर को क्लिक करा और उसको मैं खींचते हुए नीचे तक लेकर आई, तो आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके क्लिक करके ड्रैग खींचते हुए कहीं पर भी ले जा सकते हो। डबल क्लिक अगर करते हैं तो डबल क्लिक करने से क्लिकिंग अ वर्ड सेलेक्ट द कंप्लीट वर्ड, पूरे शब्द को सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपने कर्सर के सामने, ये कर्सर है, आपने डबल क्लिक करा तो आप पूरे शब्द को, जो भी शब्द होगा उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं। डबल क्लिक, अब डबल क्लिक करेंगे आप लेफ्ट सेंटर और राइट में, ब्लैंक लाइन मेक्स दैट अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। ओके, डबल क्लिक से और क्या हो सकता है, एक तो शब्द आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आप सेल के अंदर लिखी हुई चीज को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, फिर डबल क्लिक करेंगे वो बेचारी सेंटर में आ जाएगी, फिर क्लिक करेंगे वो बेचारी राइट में आ जाएगी। तो इस तरीके से लिखी हुई सामग्री को इधर उधर शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल क्लिक अब क्या और करेगा भाई, तो डबल क्लिक एनीवेयर आफ्टर टेक्स्ट ऑन अ लाइन सेट अप टैब स्टॉप, टैब को स्टॉप करने के लिए भी डबल क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। तीन बार क्लिक करेंगे तो वर्ड के अंदर एक लाइन या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का काम होता है, और क्लिक प्लस माउस व्हील, जो माउस की व्हील होती है चक्रा जिसको ऊपर नीचे घुमाते हैं, उस पर क्लिक करने पर आप जूम, आप अपने डॉक्यूमेंट को कम से कम जूम कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा जूम कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम कितना होता है और मैक्सिमम जूम कितना होता है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। ठीक है जी, चलो तो यहां पे बताओ, क्वेश्चन आया था, आज आया था कि एमएस एक्सेल का मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम होता है 10%, मैक्सिमम होता है 400%। क्लियर है, ध्यान रखना। और एक्सेल की जो शीट होती है ना वो पोर्ट्रेट मोड की होती है, एक्सेल में जो शीट होती है वो पोर्ट्रेट मोड की होती है। क्लियर है, और देखो, और तो शायद खत्म, बस कुछ था ही नहीं, अब तो खत्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसके बाद लास्ट में कुछ था ही नहीं, मतलब ये आपका एंड हो चुका है। तो कुल मिलाकर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, वो मेनली शॉर्टकट की से रिलेटेड है। और शॉर्टकट की ऐसा नहीं, वो कुछ भी पूछ रहा है, अब तक जो पूछा गया शॉर्टकट की वो पूछ रहा है, जो कि इन जनरल आप लोगों को पता होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर ना कंप्यूटिंग फॉर्मेटिंग टेस्ट भी होगा आप लोगों का, तो उसके अंदर भी ये सब चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो हमने एमएस एक्सेल की तो सारी पढ़ ली, शॉर्टकट की जो होती है। अच्छा, एमएस वर्ड के अंदर भी आपको ध्यान देना है शॉर्टकट की के बारे में, क्योंकि एमएस वर्ड की अभी पूछा नहीं है पर आगे पूछेगा, मना तो नहीं करा उसने। एमएस वर्ड में पूछ सकता है कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो एक पेज से दूसरे पेज में पेज को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पूछ सकता है शिफ्ट प्लस एंटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो शिफ्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किया जाता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। पूछ सकता है कंट्रोल के साथ ई का इस्तेमाल, कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के साथ एच का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, कंट्रोल के साथ ई सारी चीजें सेंटर में लगा देता है, कंट्रोल के साथ के हाइपर लिंक को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल के साथ एच रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी,
एमएस वर्ड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो शिफ्ट के साथ एफ थ्री का इस्तेमाल, शिफ्ट के साथ एफ थ्री का इस्तेमाल टॉगल की के अनुसार किया जाता है। लिखे गए शब्द को कैपिटल लेटर में, कैपिटल के हैं तो स्मॉल लेटर में लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्या पूछेगा बोलो, कुछ याद आ रहा है तो आप भी बताओ उसे। ये कुछ हो गई, और क्या पूछ सकता है इसके अंदर। अच्छा ये बताना मुझे, एमएस वर्ड में टाइम और डेट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। देखिए जरा कितने बच्चों को याद है, बताइए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। एमएस वर्ड के अंदर अगर मैं बात करती हूं तो एमएस वर्ड में टाइम और डेट की शॉर्टकट की क्या होती है। एमएस वर्ड में टाइम एंड डेट की शॉर्टकट की क्या होती है, बताइए जरा फटाफट से। तो यहां पर देखो, अगर मैं टाइम की बात करती हूं तो ऑल्ट शिफ्ट टी का इस्तेमाल किया जाता है टाइम को जोड़ने के लिए, और ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ डी का इस्तेमाल किया जाता है डेट को जोड़ने के लिए। तो याद रखना, पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि पूछ तो वो कुछ भी सकता है। अब हम क्या ही प्रिडिक्शन लगाएंगे इसकी, बस यही कर सकते हैं हम। वो सारी चीजें एक ही क्लास में मैं आपको बता दूं कि आपके लिए रिविजन करना आसान हो जाए। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो मिनिमम जूम होता है ना वो होता है 10% और जो मैक्सिमम जूम होता है ये होता है 500%, केवल एमएस वर्ड में होता है, और बाय डिफॉल्ट ये 100 पे सेट होता है। जब आप फाइल को ओपन करते हो तो 11 पॉइंट इसकी फॉन्ट का आकार होता है जो बाय डिफॉल्ट सेट होता है, और जो फॉन्ट की बॉडी होती है जो लिख रहे हो आप वो कैलिब्री में लिखा होता है। क्लियर है? एक एनटीपीसी के पेपर में शॉर्टकट की पूछी गई थी, मैं बता देती हूं, हो सकता है पूछ ली जाए। पूछा गया था शिफ्ट के साथ, एक शॉर्टकट की पूछी गई थी ऑल्ट के साथ शिफ्ट, या शिफ्ट के साथ ऑल्ट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो भाषा को बदलने के लिए, सपोज आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है अपने सिस्टम में हिंदी, आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हो, हिंदी में करना चाहते हो, तो शिफ्ट ऑल्ट को दबाकर आपकी भाषा बदल जाती है। अभी तक इंग्लिश में लिख रहे थे ना, शिफ्ट ऑल्ट कर दोगे और पहले से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है तो अब हिंदी में जो भी लिखोगे वो हिंदी में आएगा। एक मिनट, क्या लिख रहे हो बच्चा? हाँ, कैलिब्री कैलिब्री कैलिब्री, ठीक है। लिमिट क्या होती है, ये देखो कौन किससे बात कर रहा है, कुछ नहीं हो सकता फिर आपका। चलो हाँ जी, क्लास सभी पर चल रही है, ओके। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज थी जो इंपॉर्टेंट थी, पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अभी जितने बच्चे, अब मैं बता देती हूँ आपको ये कहाँ पे मिलेगी, पीडीएफ में कहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बातें इतनी सारी है तो आप कैसे याद करोगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी ना, एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, दिल्ली एग्जामपुर दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का, शायद 1200 के आसपास बच्चे उसमें ऐड है। एग्जामपुर दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पे, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एक घंटे बाद इसमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, मैं इसे जितना हो सकता है मैं आप लोगों की बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्प कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम कोई और छोटा सा पॉइंट है, इसकी छोटी सी वीडियो जरूर प्रोवाइड करवा दीजिए बनाकर, तो जरूर ऑफलाइन कमेंट में बताओ। देखो ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो ना तो क्या होता है, आप खड़े होकर बोल सकते हो कि मैम इसको ऐसे बता दो वैसे बता दो, पर ऑनलाइन में एक ही तरीका होता है हमारे बीच में आपके कमेंट। तो आप ऑफलाइन कमेंट करना और बताना क्या ये क्लासेस आपके लिए यूजफुल हैं, तो जरूर कमेंट करके लिखा करो। अगर टीचर मेहनत कर रहा है ना तो अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोग कुछ भी अगर घबराहट होती है तो जितना हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ। अभी आप सभी लोग क्या करेंगे, जो बच्चे हरियाणा वाले, ठीक है, पहले कुछ चीजें जो मैं आपको यहां पर बता देती हूँ, पहली एक चीज मैं बता देती हूँ, देखो जीके जीएस को पढ़ाने के लिए, हालांकि दिल्ली पुलिस के लिए आज शाम को शशांक सर ले रहे हैं क्लास, ओवरऑल जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं ना, बस थोड़े से देर रुक जाओ, मैं एक दो चीजें हैं जो अनाउंसमेंट करनी है उसको बता देती हूँ। जो बच्चे दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं तैयारी, तो आपके लिए विवेक सर लेकर आ रहे हैं, क्या विवेक सर लेकर आ रहे हैं 12 घंटे की लगातार क्लास, जिसमें इतिहास, जर्नल अवेयरनेस, भूगोल और संविधान सर आपको पढ़ाने वाले हैं। इस सेशन को आप सभी लोग लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप टाइमली आ सके कहां पर क्लास में। क्लास होगी रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। कब? कल होगी क्लास 13 अक्टूबर को।
तो क्लास होगी 13 अक्टूबर को रात 8 से सुबह 8 बजे तक, ठीक है? तो आपको जरूर इस क्लास में जुड़ना है। देखो टाटा सी, पता नहीं पढ़ा करो, क्लास में बहुत यूजफुल रहती है, ठीक है? बहुत बहुत सभी के लिए, सभी जितने बच्चे हैं जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, हर एक चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कल होगी रात 8 से सुबह 8 बजे तक। अच्छा आगे एक और चीज, जो बच्चे यहाँ पर हरियाणा वाले हैं उनके लिए भी एक प्यारी सी अनाउंसमेंट है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो बच्चे यहाँ पर हरियाणा चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं, हरियाणा वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एक इवेंट आप लोगों के लिए आ रहा है, इसमें आप सभी को जुड़ जाना है। अभी तुरंत स्टार्ट होगा मिलिए मैथ्स के धुरंधर से अब तक या अब आएगा तूफान। क्या ये तूफान होने वाला है? तो जल्दी से फटाफट से आप इस वाले चैनल पर हरियाणा पे, ये इवेंट है, सभी आ जाइए ताकि यहाँ पर आप इस चीज को देख सकें। बाकी दिल्ली पुलिस का अभी एग्जाम आप लोगों का होगा सेकेंड शिफ्ट का, तो उसका भी एनालिसिस हमारी टीम करवाएगी, तो उस एनालिसिस को देखने के लिए आप एनालिसिस वाले में भी आ सकते हैं। मैं आपको ये बता रही थी मैंने क्लास ली है शॉर्टकट की, जिन्होंने नहीं देखी है जरूर देख लेना, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ कौन सी है। कंप्यूटर प्रीति मैम एग्जाम को डालोगे मिल जाएगी। एक तो ये वाली है जो मैंने कल ली थी, 23 घंटे हो गए इसे, हाँ कल दोपहर 1 बजे ली होगी। एक ये वाली क्लास है, ये मैंने ली थी 3 बजे दोपहर को 10 तारीख को, ये वाली क्लास है। ये देखो मतलब ये मान के चलो ना जितने भी बच्चे बोल रहे हैं उन्होंने ये क्लास देखी थी, हालांकि इससे पहले मैंने बहुत सारी मैराथन ली थी, तो ये बहुत यूजफुल क्लास थी। तो लाइक कर दिया करो भाई, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक ही नहीं करते हो शैतानों। इस सेशन को जरूर देखना, मैंने सारी शॉर्टकट कीज और भी ज्यादा इसके अंदर बताई थी, प्लस मैंने एमएस एक्सेल के फंक्शन भी इसमें डिक्लेयर कर रखे हैं, तो इस क्लास को जरूर आप लोग देख लीजिएगा और आपके लिए यूजफुल रहेगी, ठीक है? बाकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को बताई है, पीडीएफ मैं आपको भेज ही दूंगी। चलिए बच्चा तो मिलते हैं कल अपने टाइम पर, ठीक, दोपहर 1 बजे बेहतरीन सेशन के साथ। कुछ और आप लोग चाहते हैं समझना पढ़ना तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्लास कैसी लगती है कंप्यूटर की ये भी, तो क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।